कहते हैं कि अगर आपने इंडिया की पिंक सिटी जयपुर का सफर नहीं किया तो आपने राजपूतों के इतिहास और इंडिया की शान को अच्छे से नहीं जाना। तो चलिए आज आपको आपके घर के कंफर्ट से ले चलते हैं टू द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। वो शहर जहां आप घूमते घूमते थक जाएंगे लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए जगहें खत्म नहीं होंगी। सो लेट्स सिट बैक एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल वर्चुअल टूर ऑफ इंडियाज पिंक सिटी। दिल्ली से 268 किलोमीटर दूर है, जहां हमें रोड से पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगे। जयपुर जाना जाता है अपने कल्चर, बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स और टेंपल्स के लिए, और मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती। तो चलिए साथ में एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद जयपुर्स मोस्ट आइकॉनिक हवा महल। जयपुर आकर शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस 300 साल पुराने पैलेस में ना जाए। हवा महल इज आल्सो कॉल्ड द पैलेस ऑफ विंड्स, जिसमें इन टोटल 953 झरोखास यानी छोटी छोटी विंडोज हैं, जो इस हवा महल को हर वक्त बाहर की हवा से ठंडा रखती हैं। ये महल स्पेशली राजपूत रॉयल लेडीज के लिए बनवाया गया था, और जब आप इसके फ्रंट लॉन में एंटर करेंगे तो आपको एक गाने पर नाचने का बहुत मन करेगा। रिमेम्बर दिस सॉन्ग। हवा महल की बैक साइड पर ही है सिटी पैलेस, और अगर आप जयपुर जा रहे हैं तो ये मिस करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आज भी यहाँ जयपुर की रॉयल फैमिली रहती है। सो इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द राजस्थानी रॉयल कल्चर और उनका रहन सहन, तो सिटी पैलेस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। यहाँ जाकर आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं, जो सिर्फ रॉयल्टी और एलिगेंस से भरी है। अब थोड़ा घूमने के बाद चलते हैं कुछ पेट पूजा करने रावत मिष्ठान भंडार पर। यहाँ की आलू प्याज कचौड़ी पूरे जयपुर में बहुत फेमस है। ये शॉप हमेशा ही लोकल्स और टूरिस्ट से भरी रहती है, इसलिए बी रेडी टू वेट इन अ क्यू। बट ट्रस्ट मी, ये क्रंची और फिलिंग आलू प्याज कचौड़ी इज वर्थ ऑल द वेट। मजा आ गया। दूसरा दिन, नई सुबह और बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। बस इसी एक्साइटमेंट के साथ हम चलते हैं तपरी सेंट्रल पर ब्रेकफास्ट करने। ये रूफटॉप रेस्टोरेंट परफेक्ट जगह है अपने दिन की पहली चाय की प्याली और नाश्ते के लिए। एंड व्यू फ्रॉम दिस प्लेस विल आल्सो टेक योर हार्ट अवे। तपरी पर 50 से ज्यादा तरह की चाय मिलती है, जिसमें मैंने ट्राई की इनकी सैफ्रन टी और उसी के साथ तड़का मैगी भी। एक चीज जो मुझ जैसे चाय लवर को बहुत ही अच्छी लगी वो था इनका इस केतली में चाय सर्व करना, और वो भी मिनी पार्ले जी के साथ। जब हम जयपुर का सोचते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे जहन में आती है वो है यहाँ के मैजेस्टिक फोर्ट्स। जब डिसाइड हुआ कि मुझे जयपुर जाना है तो मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी नाहरगढ़ फोर्ट को देखने के लिए, जिसे आज तक मैंने सिर्फ फिल्म्स में देखा था। तो चलिए वहां चलते हैं। इस फोर्ट में कई फिल्म्स की, जैसे जोधा अकबर और रंग दे बसंती की शूटिंग हुई है, और यहां से दिखता है पूरा जयपुर। जस्ट सोक इन द व्यू। अब चलते हैं सिटी एक्सप्लोर करने, लेकिन इस बार हम कार या ऑटो को छोड़कर ऑप्ट कर रहे हैं पिंक कलर्ड ई रिक्शा पर ट्रैवल करना, जिसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पिंक कलर्ड ई रिक्शा चलाने वाले कोई भैया नहीं बल्कि दीदी हैं, जो मेरी और आपकी तरह और भी टूरिस्ट को अपना शहर घुमाती हैं। अब जयपुर आओ और शॉपिंग ना करो, वो भी यहाँ के बापू बाजार और जौहरी बाजार में, तो आपका जयपुर आना इनकम्प्लीट सा है। पिंक सिटी है तो आपको यहाँ कई बिल्डिंग्स पिंक कलर में रंगी दिखेंगी, और ये मार्केट उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आपको भी मेरी तरह ट्रेडिशनल क्लोथ्स, सिल्वर ज्वेलरी, लहरिया दुपट्टे या जुत्ती पसंद है तो आपको यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। बट अगेन, थोड़ी सी बार्गेनिंग तो आनी ही चाहिए, है ना? दो बातें मुझे जयपुर की बहुत पसंद आई। एक तो कि यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग है, जिनसे आप घंटों बातें कर सकते हैं, और दूसरा कि ये सारे स्पॉट्स एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है, तो ट्रैवलिंग में आपका ज्यादा टाइम नहीं जाता। सुना है यहाँ का बिरला मंदिर भी काफी फेमस है, तो चलिए अब वहाँ चलते हैं।
पहले मैं ज्यादा श्योर नहीं थी यहाँ आने के लिए, बट इट गिव्स यू सो मच पीस जस्ट बीइंग हियर। आखिर सफर में थोड़ा सुकून भी तो जरूरी है। बिरला मंदिर जयपुर का सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है। ये लॉर्ड विष्णु को डिवोटेड है, जिसका पूरा स्ट्रक्चर क्रिस्टल व्हाइट मार्बल से बना है। तो अगर आपका भी मन करे कुछ देर शांति में बिताने का, देन आई थिंक दिस इज द प्लेस टू बी एट। इसके बाद आया दिन का एक और एक्साइटिंग पार्ट, आमेर फोर्ट। दिन कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। ये जयपुर का दूसरा फोर्ट है जो बहुत फेमस और बहुत ही सुंदर है। एक जमाने में ये फोर्ट राजपूत रूलर महाराजा मान सिंह का घर हुआ करता था। To reach the entrance at the top, you can either walk uphill, ride on elephant back, go by jeep or golf cart, or even take your own vehicle. While you are here, you simply can't afford to miss the light and sound show, which starts at 6:30 in the evening. इस time पर ये पूरा fort different colored lights से जगमगाता है, और वो अपने आप में ही एक अलग experience है। इतने hectic और fun day के बाद, I am extremely tired. But there's something जो हम बिना try करे नहीं जा सकते, और वो है राजा पार्क का फायर पान। लेकिन वहां जाते हुए रास्ते में आपको जयपुर का आइकॉनिक और ओल्डेस्ट सिनेमा हॉल राजमंदिर भी दिखता है। इस सिनेमा हॉल में कई बड़ी हिंदी फिल्मों के प्रीमियर्स हुए हैं, और ये आज भी पहले जैसा ही है, जहां हमेशा हाउसफुल रहता है। लेकिन अभी टाइम है फायर पान ट्राई करने का। अनु मोबाइल पान भंडार पर 150 से ज्यादा तरह के पान मिलते हैं, और ये इतना फेमस स्पॉट है कि यहाँ का पान कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने कई ओकेशंस पर खाया है, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। एंड आई फील दिस इज द बेस्ट वे टू एंड आवर जयपुर्स जर्नी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जयपुर एक ऐसी सिटी है विच हैज अ लॉट टू ऑफर, जहां आप घूमते घूमते थक जाएंगे लेकिन तब भी बहुत कुछ और होगा एक्सप्लोर करने के लिए। वेल, अभी के लिए इतना ही कह सकती हूँ कि जिस रॉयल्टी और राजस्थानी कल्चर को मैंने यहाँ एक्सपीरियंस किया है, वो मेरी लाइफ की सबसे अच्छी मेमोरीज में से एक है, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगी। तो ये तो था मेरा जयपुर शहर का सफर, और मुझे यकीन है कि आपको भी मेरे इस सफर का हिस्सा बनके बहुत अच्छा लगा होगा।